of India's independence. Now, remember, Prime Minister Modi has urged the nation to take part in Har Ghar Tiranga campaign. Republic spoke to the MOS Meenakshi Lekhi, who flagged off the Har Ghar Tiranga event from the national capital earlier today. उत्साह तो दिखाई दे ही रहा है और सब भारतीय जो है और खासतौर पे हम अपने क्षेत्र की बात करें उत्साह से ओतप्रोत होकर दौड़ रहे हैं और वो दौड़ देश के प्रति समर्पण के भाव की दौड़ है और वो दौड़ है कि हम इसी शक्ति से इसी ऊर्जा से देश के प्रति समर्पण के भाव से आगे कार्यरत रहें और देश को एक विकसित देश बनाने का काम करें। का राष्ट्रीय पर्व है और इतनी बड़ी जो मुहिम है, प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था नॉर्थ ईस्ट हमारा जिगर का टुकड़ा है और आज आपके और राज्यसभा सांसद जो है नागालैंड से उनके साथ आपने फ्लैग ऑफ किया, ये कितना बड़ा संदेश है पूरे देश को। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने संदेश पहले ही दिया, मगर हमारी जो मित्र है वो हमारी मित्र है और हमारे दिलों के बीच की कोई दूरी नहीं है, तो ये संदेश पूरे देश के लिए संदेश है कि हमारे जो भाई बहन है वो देश के किसी भी भाग से हो, उत्तर पश्चिम दक्षिण कहीं से भी हो, वो सब भारतीय हैं और ये भारतीयता का भाव लेकर हमें आगे बढ़ना है और वो ताकतें जो देश को बिखराना चाहती हैं उनसे चौकन्ना रहना है। नाम जब युवा हाथों में झंडा होता है और आसमान की बुलंदियों तक, तो कितना जोशाई होता है। देखिए, ये तिरंगा युवा नहीं, ये बुजुर्ग को युवा बनाने का जोश होता है और ये बुजुर्ग को युवा बनाने का जोश जो है वो तिरंगा जब सामने आंखों के आता है ना, तो वो जोश अपने से भर जाता है और आज का जो ये दौड़ है उसके पीछे भी यही मकसद है कि मेरी माटी मेरा देश और उस पर हम गौरवान्वित हों और उस गौरव के साथ देश को आगे लेकर बढ़े। स्वतंत्रता दिवस अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। गत वर्ष भी श्रीनगर में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। आप सबको मालूम है कि 12 मार्च 2022 को जिसका अमृत काल प्रारंभ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे शुरू किया था और 15 अगस्त 2023 को इसका समापन हुआ। आज बड़े फख्र के साथ इस बात का हम सबको आनंद है कि आज जो तिरंगा यात्रा निकली, केवल प्रशासन और फोर्सेस के लोग नहीं बल्कि श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों उन वीर शहीदों का सम्मान है और इसी के कारण मैं समझता हूं कि देश की प्रगति और जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। पिछले साल तिरंगा यात्रा की बहुत बड़े पैमाने पे नेशन वाइड कंट्री वाइड शुरुआत हुई और पिछले साल बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस साल फिर तिरंगा यात्रा मुल्क भर में हो रही, जहां पर भी हुई आपने देखा ऑनरेबल एलजी साहब ने खुद लीड किया तिरंगा यात्रा को, हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें बच्चे नौजवान साथी और अलग अलग शोबों से लोग ताल्लुक रखने वाले शामिल थे। मुझे लगता है कि जे हमारे अपने देश के मुल्क के निशान के ताई हमारे एहतराम की निशानी है और सब लोग कैसे अपने मुल्क से मुल्क के निशान से तिरंगे से प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं उसकी निशानी है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इसके साथ सब जगह पर जुड़ रहे हैं, अपनी सेल्फीज़ ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। न सिर्फ आज की तिरंगा यात्रा बल्कि अगर देखेंगे तो पिछले बहुत दिनों से तिरंगा यात्रा हर ज़िले में अलग अलग तरह से निकल रही हैं, पुलिस के यूनिट भी सब जगह पर शामिल हो रखे हैं। परसों हम लोग कुपवाड़ा गए थे, वहां पर भी हम लोगों ने मेरी माटी मेरा देश उसके तहत प्रोग्राम देखा। मैं सैकड़ों की तादाद में रोज़ हमारा एक स्पेशल ग्रुप बना है पुलिस के अंदर मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम का उसके तहत देख रहा हूँ, जिसमें सैकड़ों प्रोग्राम हर रोज़ अलग अलग जगहों के ऊपर हो रहे हैं जिसमें स्कूल कॉलेजों के बच्चे नौजवान साथी अलग अलग खेल कूद के शोबों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी और वहां के आम नागरिक हिस्सा ले रहे हैं। मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि ये उनका खलूस उनका प्यार उनकी मोहब्बत जहाँ के अमन और भाईचारे को भी और मजबूत करेगी।
The visuals on your screens from the national capital, Kashmir and Rajasthan, as the Har Ghar Tiranga campaign has kicked off from multiple locations pan India. These visuals from the national capital, Rajasthan, Kashmir. This, as a government, is all going all out to push for that Har Ghar Tiranga campaign to be taken, to be celebrated across the country ahead of Independence Day.